नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप अपने बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, आप चाहें तो इसे जेंट्स स्वेटर में भी डालिए। ये बहुत ही खूबसूरत है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, ऐसे 6-6 फंदे हम गिने तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इन 3 कलर के ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे 2 कलर में या फिर मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ शुरू किया है वैसे ही मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यानी बॉर्डर के बाद जो हम जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम अपने दूसरे कलर के ऊन से बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदा स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6ठा फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदा हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6ठा फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदा हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और तब इसे हम स्लिप करेंगे। हमें इस तरह से डाल के स्लिप नहीं करना है। तो हमने 5 फंदे स्लिप कर लिए, 6ठे फंदे को हमें सीधा बुनना है। फिर 5 फंदा स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6ठा फंदा सीधा, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 6ठा फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमने पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, फिर 3 फंदा स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, और 2 3 फंदा अब हम उल्टा बुनेंगे। ये फंदा जो हमने सीधा बुना था सामने की तरफ से, ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, ये मिला के इन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर 3 फंदा हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए सामने की तरफ से हमने जिस फंदे को सीधा बुना था वो फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हमें उल्टा बुनना है, 1, 2, 3। तो हमने 3 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब 3 फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर 3 फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर 3 फंदा स्लिप करना है और लास्ट में 2 ही फंदा बचेगा, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। साइड साइड में 2-2 फंदे रहेंगे और बीच में 3-3। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो इसी कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर अब हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 3 फंदे हमारे ये हैं और एक एक फंदा साइड से ले लेंगे, तो 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
छठा फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार और पांच, फिर छठा फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, फिर छठा फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर छठा फंदा स्लिप कर लेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए साइड साइड में तीन तीन फंदे रहेंगे और बीच में देखिए पांच पांच फंदे हो जा रहे हैं, तो इस तरह हमने तीसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चौथे लाइन में पूरी लाइन उल्टा बुन ली जाएगी। पांचवी लाइन में हम अपने तीसरे कलर के ऊन से, अब देखिए तीन फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, दो और तीन, अब देखिए ये चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और अब पांच फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर छठे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे और छठे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे, फिर छठे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे, छठे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में तीन फंदा बचेगा तो इन्हें हम स्लिप करेंगे। तो इस तरह ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का छठा लाइन है, तो हम दो फंदा स्लिप करेंगे। हमने पहले तीन फंदा स्लिप किया था सामने की तरफ से, अब की दो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा जो है वो इसके साथ बुन लिया जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा तीन फंदा हो जाएगा, एक फंदा जो हमने बुना था और दोनों साइड से एक एक फंदे हो जाएंगे तीन फंदे, तो तीन फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब तीन फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा हमें स्लिप करना है और तीन फंदा उल्टा बुनना है। लास्ट में दो ही फंदे रह जाएंगे तो इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का सातवां लाइन है, तो हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब तीन फंदा हमने बुना था, दोनों साइड से एक एक फंदा ले लेंगे, सीधा हो जाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, तीन फंदा था, दोनों साइड से एक एक फंदे ले लिए तो हो जाएंगे पांच फंदे सीधे। अब एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, छठा फंदा स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, छठा फंदा स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, लास्ट फंदा स्लिप कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। आठवीं लाइन में सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम अपने
तीसरे कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए ये हमारा, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे। देखिए डिब्बी जैसा जो बन गया है, अब इसके टॉप पे इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे, फिर छठा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं आठ लाइनों को हम दोहराएंगे, ऊन का कलर बदलते जाएंगे, और इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, छोटे छोटे डिब्बी के जैसा ये डिज़ाइन बना हुआ है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। आप इसमें कितने भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।